बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने चैनल रानू रेसिपी में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस रेसिपी का नाम है मसालेदार फ्राई अरबी। अरबी को धोने का तरीका पहले मैं सबसे आपको बताती हूँ। अरबी का धोने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोगों को बताती हूँ, नमक के साथ या फिर थोड़ा सा आटा डालकर इसको धो लें। अरबी काटने से पहले हाथों को सरसों का थोड़ा सा तेल लगा लिया करें, इससे हाथों पर जलन या खारिश नहीं होती। अरबी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत होगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले नमक तकरीबन खाने का 1 चम्मच, हल्दी हमारे पास ये भी खाने का तकरीबन 1/2 चम्मच है, ये हमारे पास सुरख मिर्च है ये 1 चम्मच है खाने का, ये हमारे पास मिक्स मसाला ये भी तकरीबन खाने का 1 चम्मच है, लेमन ये हम या तो फिर पकाते हुए अरबी में डालेंगे या फिर जब हम खाने लगे तब भी हम डाल सकते हैं, ये लहसुन अदरक सब्ज मिर्च का पेस्ट है, ये कुछ सब्ज मिर्चें साबुत ली हैं, 2 टमाटर, टमाटर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये मैंने पेस्ट बनाया। ये सबसे पहले ये हमारे पास प्याज है तकरीबन 1/2 किलो के करीब है, ये सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, ये हमारे पास अरबी है ये भी तकरीबन 1/2 किलो है। तो अरबी को हमने धो के रख लिया, सबसे पहले हम अरबी को फ्राई करेंगे। ये हमारा घी अब गर्म हो चुका है, इसमें अब अरबी डालते जो हमने पहले से धो के रखी हुई है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, ये हम डालते हैं इसमें, ये सारी अरबी हम इसमें डाल देंगे, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। ये हमारी अरबी तो माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है, इसको हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे, तो जो बाकी बचेगा कि इसी में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अरबी को आप कोई भी शेप में काट लें, गोल काट रहे हैं लंबी काट लें वो आपकी मर्जी है। ये हम निकाल के इसी में हम मसाला बनाएंगे। अरबी को हमने निकाल ली है, अब जो घी बाकी बचा है इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे, प्याज भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं हमने करना। ये सबसे पहले हम इसमें प्याज डालते हैं, बिस्मिल्लाह। प्याज तकरीबन आप लोगों ने 1/2 किलो लेना, 1/2 किलो अरबी बराबर का लेना ताकि मसाला अच्छा बन जाए। इसको हम हल्का सा फ्राई करके बाद में इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और ये टमाटर जो हमारे पास है उसका भी पेस्ट बनाया वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट या सब्ज मिर्च कुछ मेरे पास नमक मिर्च सब कुछ ना बारी बारी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर फ्रीज थे इसलिए उसका पेस्ट बन गया, टमाटर आप जितने मर्जी डाल सकते हैं, 2 डालें 4 डालें उतना ही जायका अच्छा आएगा। बाद में हम ये हमारे पास मिक्स मसाला वो डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च भी डाल देते हैं, हल्दी 1/2 चम्मच है तकरीबन खाने का, नमक 1 चम्मच है खाने का, ये सारे इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की खुशबू आने लग जाए, अच्छी तरह पक जाए, उसके बाद हम इसमें अरबी शामिल कर देंगे। ये मसाला अरबी का तैयार हो चुका है, इसमें अब हम अरबी शामिल करते हैं, जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है वो डालते हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने के बाद अच्छी तरह मसाला हलाएंगे ताकि इसमें मसाला मिक्स हो जाए सारा। उम्मीद है कि आज की हमारी ये फ्राई मसालेदार अरबी की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह हलाने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, उसके बाद हमारी मसालेदार फ्राई अरबी तैयार। इसमें आप चाहे ये पक रही है तब लेमन डाल दें, नहीं तो आप अनारदाना डाल दें, अनारदाना भी नहीं आपके पास तो आप इसमें 2-3 चम्मच खाने के दही के डाल दें, उतना ही अच्छा जायका आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह हलाते हैं, हलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हमारी फ्राई अरबी तैयार हो जाएगी। चलें देखते हैं हमारी फ्राई अरबी तैयार हुई कि नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, दिखने में तो बहुत प्यारी लग रही है और खाने में भी इंशाल्लाह इतनी ही टेस्टी होगी। अब हम इसको प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, कलर बहुत प्यारा है, प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हमारी मसालेदार फ्राई अरबी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखो हमने प्लेट में निकाली है, अब देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये आप लेमन के साथ भी खा सकते हैं, खाते वक्त निचोड़ लें, चाहे आप जब पकाते हैं तब निचोड़ लें, वो आपकी मर्जी है। ये रेसिपी हमारी आज की इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनी है, घर में ज़रूर ट्राई किया करें।
दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स में बता भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगे ना लगे बताया जरूर करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, और कमेंट्स में भी बताया करें जरूर प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।